इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में गाड़ी एक्सचेंज के नाम पर धोखाधड़ी की घटना सामने आई है। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने तीन लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर के कैफे संचालक विशाल गुप्ता के द्वारा बाणगंगा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसके साथ रुक्मणी मोटर में काम करने वाले दो व्यक्ति दीपक और पीयूष के द्वारा रुक्मणी मोटर्स के मालिक के साथ मिलकर गाड़ी एक्सचेंज के नाम पर धोखाधड़ी की गई, जिसमें उनके द्वारा फरियादी को आश्वासन दिलाया गया था कि वो उनकी गाड़ी को एक्सचेंज करवाकर उन्हें दूसरी गाड़ी मुहैया करेंगे। लेकिन लंबे समय होने के बाद भी फरियादी को कोई गाड़ी नहीं मिली है, जिसके बाद फरियादी की शिकायत पर बाणगंगा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 31/8 को मेरी मर्जी कैफ़े है यहाँ पे, उसके मालिक हैं विशाल गुप्ता। उन्होंने एक आवेदन दिया था कि उनकी सियाज कार है, उसको लेके दीपक सेन और एक लड़का और है पीयूष नाम का, जो रुक्मणी मोटर पर काम करते हैं। इन लोगों ने किसी मीडिएटर से बात कराई और कुछ कार के एक्सचेंज को लेके मैटर था वो, तो उसमें ऐसा पाया गया कि रुक्मणी मोटर्स के मालिक और इन दो व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ छल किया गया, और इसलिए उसकी जांच के उपरांत उसमें 420-406 का अपराध पंजीबद्ध किया गया।